हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRX मेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निमुसेट सिरप के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताऊंगा, और ये वर्क कैसे करता है ये भी बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा निमुसेट सिरप है उसका प्राइस कितना है। दोस्तों, ये हमारी लगभग 45 रुपये की है, जो कि आपके नियरेस्ट फार्मेसी पे या केमिस्ट शॉप या दवाई घर पर अवेलेबल मिल सकती है। और दोस्तों, ये जो हमारी निमुसेट सिरप है, ये हमारी इंटास कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूजेस। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी निमुसेट सिरप है इसके यूजेस क्या है। दोस्तों, ये जो हमारी निमुसेट सिरप है, ये हमारी एक टाइप की एनसेट सिरप है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको हम शॉर्ट में एनसेट्स कहते हैं। तो ये एक टाइप की एनसेट सिरप है, इस जो कि ये काम क्या करता है, अगर किसी बच्चे को, मतलब किसी बच्चे को या कोई बड़ा व्यक्ति हो जो टैबलेट नहीं ले पाता है, उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर, जिसे हम बुखार या फीवर कहते हैं, उसको कम करने में बहुत ही सहायता करता है। और तो और, अगर उसके फीवर की वजह से बदन में बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा है, तो उसको कम करने में भी सहायता करता है हमारा निमुसेट सिरप। और तो और, ये इन्फ्लामेशन हो गया, या तो इन्फ्लामेशन की वजह से जो रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है, उसको भी कम करने में बहुत ही सहायता करता है। तो ये हम इन्फेंट, छोटे बच्चे या थोड़े से बड़े 3 या 4 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको भी देते हैं सिरप ये। और तो और, अगर कोई एजेड हो जो कि टैबलेट नहीं ले पाता है, तो उस समय भी इनको सिरप दिया जाता है। तो जो इसका यूजेस है, आप मैंने बताया कि ये बुखार या बदन दर्द में दिया जाता है बच्चों और बूढ़ों को। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट निमुसेट सिरप जब अगर आप अपने बच्चों को देते हो, तो उसको देने के बाद वो कभी कभार नोजिया, उनको उल्टी जैसा लगता है, और कभी कभार तो वॉमिटिंग भी हो जाती है, और स्टमक पेन भी होने लगता है, और कभी कभार उनका हार्ट बर्न भी लगता है, और तो और उनके डायरिया और एलर्जी रिएक्शन भी दिखता है। ये कुछ रेयर ही हैं, अगर इससे ज़्यादा दिखते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को बताओ कि ये प्रॉब्लम है, जिससे डॉक्टर फर्दर मेडिसिन चेंज करके उनको अच्छा रिजल्ट दे सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमारा निमुसेट सिरप को। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, डॉक्टर या फार्मासिस्ट के एडवाइस से ही आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जैसे इन्फेंट, मतलब बहुत ही छोटा बच्चा हो, जैसे 1 साल या 9 महीने या 10 महीने का हो, तो आपको उसके वेट कितने वजन का है, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर से पूछ के उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। और तो और, जो जैसे 3 साल या 4 साल की हो, तो उसकी एक नॉर्मल डोज होती है जो आपके ये सिरप के बोतल पे मेंशन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो उनका वेट, उनकी हाइट, उनकी एज के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर उनकी जो डोज है कैलकुलेट करके देते हैं। तो दोस्तों, यही कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। और जो सीनियर सिटीजन है, जिनको टैबलेट लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी डॉक्टर की सलाह से आपको देना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों, जो हमारा निमुसेट सिरप है, मैं अब इसको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों, ये दो मेडिसिन को मिला के ये एक सिरप बनाया गया है, जो कि दो मेडिसिन है, वो दोनों हमारी एनसेट ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि मैंने बताया था आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो उसको, उसी की ये दो मेडिसिन है, जिसमें एक है निमुसलाइड और दूसरा पैरासीटामोल। और ये दोनों क्या करता है, जो केमिकल मैसेंजर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर, मतलब बुखार के लिए, दर्द के लिए, और तो इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन वूजन आ जाती है, रेडनेस आती है, उनको जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको ब्लॉक करता है केमिकल मैसेंजर को, जिसकी वजह से ना तो फीवर होगा,
ना पेन होगा, मतलब बुखार भी नहीं होगा, ना दर्द होगा, ना तो सूजन होगी, ना तो रेडनेस भी आएगी। तो दोस्तों यही है कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस। दोस्तों जो इसकी फर्स्ट सेफ्टी एडवाइस है कि पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं या इन्फेंट है, वो कितने ग्राम का, एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करके आपको मेडिसिन देनी है। और तो और अगर ज़्यादा ही उनको एलर्जिक रिएक्शन दिखता है, जैसे मैंने बताया था आपको कोई साइड इफ़ेक्ट, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे वो उनकी मेडिसिन बदल के फर्दर चेंज करें। और तो और अगर कोई जैसे उनको प्रॉब्लम हो कोई ज़्यादा ही ऑर्गन की, तो डॉक्टर से बता देना कि ये प्रॉब्लम है, जिससे कि जो मेडिसिन है उसकी कैलकुलेट और भी अच्छे से करके डॉक्टर दे सके। तो दोस्तों यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।